हमारे को गुलाम देखने के बाद जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उन लोगों ने उसी अवस्था को छोड़कर अपने समाज को अच्छी अवस्था, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, आपको किसको मानना है, किसको भूलना है, किससे आपका उद्धार हो सकता है, ऐसी विचारधारा देने का काम किया। और जिन महापुरुषों ने जीते जी देने का काम किया, तो जीते जी तो उनको तकलीफ थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये महापुरुष सही और सत्य बता रहे हैं, इसलिए बाद में उनके अनुयायी उनके विचारों को मानते हैं, उसके पहचान दिखती है। जैसे अभी आप यहां बैठे हैं, भले आप कुछ भी बोलो, आप जाति के बारे में मन में जो सोचना है सोचो, या धर्मों के बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन आप एक धर्म के कारण यहां बैठे हैं। अगर आप कोई जात ना होती और आपके वंश में पूजने लायक गुरु ना होते, तो शायद इन महापुरुषों की तस्वीर आप नहीं लगाते। इनकी तस्वीर इसलिए लगा रहे हैं कि आपके वंश में इन्होंने जो काम किया है, आपका उदार होने के लिए काम किया है, इसीलिए ये हमारे वंश में कुल में पैदा होकर उन्होंने हमारे कुल का और वंश का उदार किया है। कुल का और वंश का उदार सतगुरु रविदास जी ने कहा, जिस कुल में कोई महापुरुष पैदा होता है उस कुल का उदार होता है। कुल दोनों कुल का, दोनों कुल माता और पिता, माता पिता ये दो कुल हो गए, और जो वंश है वो रविदास वंश के जाति के अंदर हम पैदा हुए, तो रविदास वंश का कुल का उदार अगर किया तो सतगुरु रविदास जी ने किया। कितने लोगों को पता है, कितने लोग इसको जानते हैं, कितने लोग हम मानते हैं हमारे घरों में, अरे जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, जिन माता पिता ने आपको संस्कार कल्चर दिया, उन माता पिता की तो पूजा नहीं होती है, लेकिन दूसरे कल्चरों की हम पूजा करते हैं। ना कभी उन्होंने कुछ दिया, ना कभी कुछ हमारे को उन्होंने ये किया, लेकिन हमने उनको ठोकर मारी है, और देने वाले को ठोकर मार के नहीं देने वाले को हम लोग पूज रहे हैं, तो कैसा उदार होगा इस समाज का? ना आपको धरोहर पता है, ना आपको आपकी सिस्टम पता है। सबसे महान विचार किसी का है तो आपके वंश का है, लेकिन आपके वंश के गुरु को आपने देखा नहीं। जिन लोगों ने व्यवस्था को निर्माण किया, उन्हीं लोगों ने साष्टांग दंडवत सतगुरु रविदास जी के चरणों में डाला है। किसी भी संत के बावन राज्य शिष्य नहीं है, किसी भी समकाल में जितने संत थे सभी ऊंच जाति के संतों ने एक शूद्र जाति के संत को उतनी बड़ी उत्तमा और पदवी दे रहे कि जितने सतगुरु को मिली, सतगुरु रविदास जी को मिली। जितने बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत और पंडितों को ज्ञान दिया, सतगुरु रविदास जी ने कौन सा मार दिया? सतगुरु रविदास जी ने फकरों पे चढ़ावा चढ़ाना का मार्ग नहीं दिया। अगर वही एक लीटर दो किसी पत्थर पे चढ़ाते हो तो पत्थर तो कभी तंदुरुस्त नहीं होता है, और वो कभी बताएगा भी नहीं कि भाई तेरे एक लीटर दूध से मेरे को ऊर्जा मिली। लेकिन वो किसी गरीब को आप पिलाओगे, पिला के देखना, किसी गरीब को रोज एक लीटर दूध, बच्चों को जिसके पास परवरिश करने के लिए कोई सहारा नहीं, उसकी कभी परवरिश करके देखना, वो जब तक रहेगा तब तक लोगों को बोलेगा कि मैं गरीब था, मैं छोटा था, तब तक मेरी पढ़ाई की भी उन्होंने भरी, तब तक उन्होंने मेरे को आर्थिक सहयोग किया और उन्होंने मुझे संभाला। लेकिन जितने मंदिरों में पत्थरों के ऊपर हम जो चढ़ा रहे हैं ये व्यर्थ है। तो सदगुरु रविदास जी की पूजा अंधश्रद्धा और कर्मकांड नहीं है, सदगुरु रविदास जी की पूजा चैतन्य की है। सदगुरु रविदास ने जो माना पूजा वास्तव को माना, सदगुरु रविदास जी का परमात्मा दशरथ का पुत्र नहीं है। जब उन्होंने कहा मेरा राम, मेरा राम द
जो दशरथ का पुत्र करता है मैं उसको नहीं पूछता हूँ। मेरा राम रम घट घट में रमा हुआ है, मेरा राम ना पैदा होता है ना मेरा राम ना नष्ट होता है, मैं उस राम की पूजा करता हूँ, ना मेरा राम संसार का कोई भी महापुरुष ये नहीं बता सकता है कोई भी धर्म कि मेरा राम किस दिन पैदा हुआ है और किस दिन नष्ट होगा। सदगुरु रविदास जी का राम अजरामर है, उस राम की सदगुरु रविदास जी ने पूजा की, सदगुरु रविदास जी के पूजा में सब कुछ व्यर्थ से सिद्ध कर दिया। सदगुरु रविदास जी ने दूध गंगा जल निविध फूल ये कोई नहीं चढ़ाया, मन सफाई करके मन से श्रेष्ठ अपने अंदर प्राप्त करके उस प्रभु के चरणों में अपने दिल से उनके चरणों में रखा, सदगुरु रविदास जी की ये पूजा है। सदगुरु रविदास जी नाना प्रकार के वेद पुराण पढ़ने के बाद सदगुरु रविदास जी को भ्रम पैदा हो गया कि क्या मैं किसका लूं, मुझे ना वेद से मिल रहा है ना पुराण से मिल रहा है, तो मैं किसका लूं कि मैं आज इस संसार के लोगों को वो दे सकूं समझा सकूं कि भाई तेरा इस विचारों से उद्धार हो सकता है। तो सदगुरु रविदास जी ने कहा नाना प्रकार वेद पुराण को ठोकर मारकर सदगुरु रविदास जी ने अपने विचारधारा निर्माण करके हमारे इस संसार के लोगों को दिया। उन्होंने ये किया क्या कि चमार जाति में मैं पैदा हुआ हूं तो मैं सिर्फ चमारों के लिए बांट रहा हूं, लेकिन सदगुरु रविदास जी ने अखंड विश्व की संसार की बात कही और सत मार्ग के ऊपर संसार के लोगों को समझाने का काम किया। सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं ऐसा चाहूं राजवर जहां मिले सबन को आनंद, छोट बड़ा सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। तो सदगुरु रविदास जी ने यह कहा कि चमार रहे प्रसन्न, सबसे दुखी चमार थे, सबसे दुखी ये शूद्र दलित लोग थे, इनको देखकर 2600 साल पहले महावीर बाहर निकल गए, बुद्ध बाहर निकल गए, 2000 साल पहले यीशु मसीह ने अपने बाहर निकल गए उनके कल्चर को छोड़ के, अरब में 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर बाहर निकल गए, 1000 साल पहले दक्षिण में बसवेश्वर जी लिंगायत धर्म के बाहर निकल गए, 300-350 साल पहले सिख धर्म के 10 गुरु ने समझाया तो सिख बाहर निकल गए। ये कहां से लोग निकल गए कि जो हजारों साल के जिस कल्चर को मानते थे उसमें उन्होंने देखा क्या, उन्होंने देखा कि यहाँ तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता है, यहाँ तो पशु से ज्यादा इंसान को शोषण किया जाता है। तो क्या महावीर का शोषण हुआ, क्या बौद्ध का शोषण हुआ, क्या गुरु नानक का शोषण हुआ? शोषण हमारा हुआ, जिनका शोषण हुआ आज तक वो बदले नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा वो बदल गए। बदलना चाहिए किसको, चाहिए किसको, जिसको तकलीफ हो रही है, जिसका हाथ जल गया उसको मलहम लगाना चाहिए, और जिसका हाथ जल गया वो नहीं मलहम लगा रहा, जिसको दूर से ही थोड़ी सी धूप लग गई तो वो मलहम लगा रहा है। तो ओरिजिनल शोषण हमारे लोगों का हुआ है, इसीलिए जितने भी महापुरुषों ने समझाने का काम किया है, चाहे बाबा साहब हो चाहे गुरु रविदास हो अन्य संत हुए, सब संतों ने हमारे हाल को देखते हुए इस व्यवस्था के लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन किसी भी संत का विजय नहीं हुआ। विजय अगर हुआ हजारों साल के बाद तो एक है सदगुरु रविदास, सदगुरु रविदास जी ने पूरी सिस्टम आपको दी है, लेकिन आपसे चली गई है वो, आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ चित्र दिखता है, सिर्फ नमस्कार।